हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे सीएनजी कार्स इन इंडियन मार्केट। तो आज कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी कार्स इंडिया में आती हैं विद सीएनजी, उनको हम आज इस सेशन में कवर करें। तो डिटेल्स जानने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। पहले नंबर पे है हमारे पास मारुति सुजुकी की अल्टो K10, जो आपको लगभग पड़ जाएगी 6 लाख की ऑन रोड। 1000 cc इंजन के साथ आती है और कमाल का एवरेज है इसका 34-35 का एवरेज आपको दे देती है लॉन्ग रूट्स। यहीं अगर बात करें इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस तो आपको इसमें ना के बराबर मिलेगा। पीछे CNG का सिलेंडर होता है, तो दूसरी का जो बूट स्पेस जो है उसको तो आप भूल ही जाइए इसमें। इसके बाद दूसरी गाड़ी फिर से मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो है, जिसकी एक्सोरूम प्राइस है 6 लाख 12 हज़ार की आपको ये पड़ जाएगी। और 32 किलोमीटर का एवरेज जो है कंपनी इसका क्लेम करती है, बाकी आपकी ड्राइविंग के ऊपर होता है आप कैसे ड्राइव करते हैं। तो ये भी 1000 cc के इंजन के साथ आती है। जो इंजन अल्टो K10 में है वही इंजन सेम इसमें यूज़ हो रहा है। स्पेस के मामले में 4 लोग इजीली अंदर बैठ सकते हैं। अगर आप पिछली रो में इसमें 3 पर्सन अगर बिठाना चाहते तो थोड़ी दिक्कत का काम हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मारुति सुजुकी की बैजनाथ। इस गाड़ी के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे। 7.5-7 लाख के करीब आपको ये पड़ जाएगी ऑन रोड, और कंपनी इसका माइलेज क्लेम करती है 34 किलोमीटर पर KG का CNG के ऊपर। सेम इंजन के साथ आती है, 1000 cc का इंजन इसमें भी है जो आपके एस्प्रेसो में मिलता है। बट हाँ, ये एस्प्रेसो एंड अल्टो के मुकाबले अंदर से थोड़ी स्पेसियस है। और अगर बात करें इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस इसमें भी आपको सेम ही दिखने को मिलेगा जैसे एस्प्रेसो में है, अल्टो में है। कुछ खास इसमें भी बूट स्पेस है, बट ये है कि अंदर से आपको काफ़ी खुली डुली ये गाड़ी मिल जाती है। नेक्स्ट गाड़ी हमारे पास फिर से मारुति सुजुकी की है, जो है सेलेरियो। ये भी वैगनआर जितने स्पेस के साथ आती है, अच्छी गाड़ी है। और कंपनी इसमें माइलेज क्लेम करती है 35 किलोमीटर पर KG का। 1000 cc इंजन के साथ आती है ये। 7.5 लाख की आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगी। तो बूट स्पेस इसमें भी आपको बस वैसे ही देखने को मिलेगा। मेन दिक्कत जो है बूट स्पेस की, वो होता है सीएनजी सिलेंडर आपका पीछे बूट में फिट किया होता है इन्होंने, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ जाती है। बूट आप पीछे कुछ सामान नहीं रख सकते। बट आई थिंक ये मारुति की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी है सीएनजी के ऊपर। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट गाड़ी हमारे पास फिर से मारुति सुजुकी की है डिज़ायर। डिज़ायर का आपको 840 तक का इसका ऑन रोड प्राइस पे ये पड़ जाती है गाड़ी। कंपनी माइलेज क्लेम करती है 32 किलोमीटर पर KG का। 1200 cc इंजन के साथ आती है, काफ़ी स्पेसियस गाड़ी है। बूट में भी आप सामान रख सकते हैं, उतना स्पेस तो नहीं है बट एक आधा बैग आपका इजीली पीछे आ जाता है। एक अच्छी फैमिली कार है और कमर्शियल लाइन में भी ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट गाड़ी हमारे पास फिर से मारुति की है मारुति सुजुकी फ्रॉनेक्स। 7.5 लाख की आपको CNG में गाड़ी अवेलेबल है। 28-29 किलोमीटर पर KG का इसका आपको एवरेज मिलेगा। 1200 cc इंजन के साथ ये आती है और अभी न्यूली लॉन्च्ड गाड़ी है। बेसिकली ये ब्लेनो के ही चेसी पे इन्होंने इसको बनाया हुआ है, थोड़ी SUV वाली लुक देने का इन्होंने करा हुआ है इसमें काम। स्पेस है बट इसमें आपको हेड रूम का थोड़ा सा इशू रहेगा कि थाई स्पोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है गाड़ी में, पावर लैक भी आपको इतना महसूस नहीं होता। सो नेक्स्ट हमारे पास गाड़ी है मारुति सुजुकी की ब्रेज़ा। इस गाड़ी के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं, मिनी SUV गाड़ी है। स्पेस के मामले में काफ़ी खुला स्पेस इसमें आपको मिलता है, 4-5 आदमी आपके आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। बूट में भी काफ़ी जगह मिल जाती है आपको CNG सिलेंडर होने के बावजूद भी। और जी हाँ, और ये गाड़ी भी मारुति जो कि अब कंपनी फिटेड CNG के साथ अवेलेबल करा रही है, तो जो इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। अप्रॉक्स आपको 10 लाख के करीब आपको इसकी प्राइसिंग रहती है और 25-26 का एवरेज जो है CNG के ऊपर कंपनीज का क्लेम करती है। और ये 1500 cc इंजन के साथ आती है, बेहतरीन पावर इसके इंजन में है।
तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसको पर्सनली सैंडी में अगर यूज़ करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये 10 लाख के बजट में। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे पास 7 सीटर की, तो मारुति अर्टिगा एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इसमें 7 सीटर गाड़ियों में। कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आती है, 11-12 लाख की आपको ये ऑन रोड पड़ जाती है। 26 लाख का कंपनी इसका माइलेज क्लेम करती है, 1500 सीसी का बेहतरीन इंजन है। कहते तो हैं ये मारुति की इनोवा है, बट स्पेस के मामले में जो कंफर्ट इनोवा में है वो तो कहाँ 10 लाख में आपको मिल जाएगा, बट फिर भी काम चलाने के लिए सही है, बजट में कार है तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट गाड़ी हमारे पास फिर से मारुति सुजुकी की है, 7 सीटर ही है, XL6। 12.5-13 लाख की आपको ये गाड़ी पड़ेगी, सेम इंजन के साथ आती है जो अर्टिगा में यूज़ होता है। कंफर्ट में थोड़ी सी अर्टिगा से बेटर है, पिछली रो में सेकंड रो में आपको इसमें कैप्टन सीट्स देखने को मिल जाएंगी। पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी, 7 सीटर अगर आप देख रहे हो 12-13 लाख के बजट में विद सीएनजी, कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ ये गाड़ी आती है। एंड रही अर्टिगा की बात, अर्टिगा तो आपको पता कमर्शियल लाइन में ज़्यादा यूज हो जाती है, लोग फिर थोड़ा सोचते भी हैं यार कि नहीं हम 7 सीटर लें जो कमर्शियल में ज़्यादा यूज ना हो, पर्सनल गाड़ी की तरह लगे, तो XL6 इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट गाड़ी हमारे पास है ह्यूंडई की एक्सटर, अभी न्यूली लॉन्च्ड गाड़ी है और कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ ह्यूंडई ने इसको लॉन्च किया है। 9 लाख की आपको ऑन रोड पड़ जाएगी, 27 किलोमीटर पर केजी का एवरेज इसमें कंपनी क्लेम करती है, वही 1200 सीसी इंजन के साथ आती है, बेहतरीन स्पेस है, बूट स्पेस में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा थोड़ा रेंज रोवर वाला लुक आपको इसके हेडलैम्प से देखने को मिलेगा, काफ़ी डिजाइनिंग के ऊपर काम किया, छोटी वेन्यू की तरह है। एंड नेक्स्ट हमारे पास गेम फिर से हुंडई की गाड़ी है, और सेडान सेगमेंट की गाड़ी है, 8.5-9 लाख की आपको ये पड़ जाती है ऑन रोड, बेहतरीन माइलेज के साथ, 22 किलोमीटर पर के जी 1200 सीसी इंजन के साथ आती है। चेंजी सिलेंडर लगने के बाद भी काफ़ी स्पेस इसमें पीछे रह जाता है, इतना स्पेस आपको डिज़ायर में देखने को नहीं मिलेगा। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, थोड़ी बल्कि महसूस होती है गाड़ी, और इन कंपेरिजन टू डिज़ायर, डिज़ायर में बॉडी आपको थोड़ी सी कम हल्की महसूस होगी, लेकिन ऑरा में आपको बॉडी मटेरियल सारा कुछ एक अच्छा मिलेगा, जेन्युइन फील आता है गाड़ी से। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूंडई की ही फिर से गाड़ी है, ग्रैंड आई टेन न्योस, 8.5-7.5 लाख रुपये में आपको ये पड़ जाती है। इसमें भी ऑरा वाला ही इंजन लगा है, 28 किलोमीटर पर के जी का एवरेज कंपनी क्लेम करती है, 1200 सीसी इंजन के साथ आती है। फर्क बस इतना है ह्यूंडई और आपकी सेडान सेगमेंट में आ जाती है, उसमें आपको डिक्की पीछे को बड़ी मिलती है, बूट ज़्यादा मिल जाता है, और ये गाड़ी हैचबैक में है, बाकी सेम इंजन इसमें भी यूज हुआ है, ओरा एंड ग्रैंड आई टेन की सेम चेसिस है। नेक्स्ट गाड़ी है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जी हाँ अब टोयोटा ने भी अपनी गाड़ी सीएनजी में लॉन्च करना स्टार्ट कर दी है, ये टोयोटा की फर्स्ट सीएनजी कार है इंडिया के अंदर। इसका आपको प्राइस रहने वाला है 15.5-16 लाख के करीब, आपको ऑन रोड पड़ जाएगी, 26 किलोमीटर पर केजी का कंपनी माइलेज क्लेम करती है, 1500 सीसी इंजन के साथ आती है ये गाड़ी, और हाइब्रिड का भी इसमें ऑप्शन है, तो एक फुली एसयूवी गाड़ी है, काफ़ी बेहतरीन स्पेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, एंड इससे बेहतरीन स्पेसियस सीएनजी कार आई डोंट थिंक कि इंडियन मार्केट में अभी कोई दूसरी है। सो टोयोटा की अर्बन क्रूजर एक प्रॉपर एसयूवी, जिसको हम मिनी एसयूवी कह लेते हैं, वो गाड़ी है जो आपको सीएनजी में अवेलेबल है इंडियन कार मार्केट में। नेक्स्ट हमारे पास है अपनी टाटा की गाड़ियाँ, तो पहले हम बात करेंगे टाटा टियागो की, 8 लाख की आपको ये पड़ेगी, 26.5 किलोमीटर पर के जी का कंपनी माइलेज क्लेम करती है, 1200 सीसी इंजन के साथ आती है, और टाटा के लोहे के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही है इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे, मतलब बिल्ड क्वालिटी क्या होगी टाटा की गाड़ियों की।
बट हाँ, कमर्शियल में अभी टाटा अपनी गाड़ियाँ सेल नहीं कर रहा था, जो भी इन्होंने लॉन्च की है, टाटा टियागो, टिगोर एंड अल्ट्रोस। सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए आप टाटा की गाड़ियाँ बाय कर सकते हैं सीएनजी के अंदर। नेक्स्ट गाड़ी हमारे पास टाटा टिगोर है, वही हैचबैक और सेडान वाला किस्सा सेम आ जाता है जो हमने नियोस में देखा था एंड ओरा में देखा था, वैसे ही स्विफ्ट और डिज़ायर में देखते हैं। सेम इंजन है दोनों गाड़ियों का, टियागो टिगोर का। फ़र्क कितना है, टिगोर आपको अच्छे खासे बूट के पास सेडान सेगमेंट में गाड़ी मिल जाती है, लंबी डिग्गी वाली। टिगोर आपको हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है, वो अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। नेक्स्ट गाड़ी टाटा की ही है अपने पास, वो है टाटा की अल्ट्रोज, जो अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है। अल्ट्रोज का सबसे प्लस पॉइंट है, इसमें आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। वो इसलिए क्योंकि टाटा ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, इन्होंने दो छोटे छोटे सिलेंडर सीएनजी के दिए हैं, एक बड़ा सिलेंडर इन्होंने नहीं दिया, दो छोटे छोटे सिलेंडर दिए हैं। एंड वो आपके जहाँ पे स्पेयर व्हील गाड़ियों का होता है, वहाँ पे उनको प्लेस कर रखा है, तो इसमें बूट स्पेस की आपको कमी नहीं है, अच्छा गाड़ी के अंदर भी स्पेस है। एंड प्राइस की बात करें अगर टाटा अल्ट्रोज की, तो ये आपको 8 लाख तक की ऑन रोड पड़ जाती है, 30 किलोमीटर पर केजी का कंपनी इसमें माइलेज क्लेम करती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सीएनजी कार्स जो इंडियन मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी भी गाड़ी को ले सकते हैं, सारी गाड़ियाँ एक बेहतरीन ऑप्शन हैं, अपने बजट के हिसाब से आप प्लान कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को। एंड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको इन गाड़ियों के रिलेटेड, सीएनजी गाड़ियों को लेकर चाहिए होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।